गाजा और यूक्रेन में जारी महाजंग के बीच एक और युद्ध शुरू हो चुका है। इक्वाडोर में गृह युद्ध का खतरा सताने लगा है। वहां के ड्रग माफिया ने सरकार के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और अब उस देश में कई जगह आगजनी भी शुरू हो चुकी है। इक्वाडोर में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। नंबर वन चैनल, नंबर वन शो, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सेना सड़क पर उतर चुकी है क्योंकि ड्रग्स माफिया ने सरकार के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। इमरजेंसी लग चुकी है और जिस तरह का ये पूरा तनाव फैला हुआ है उसकी खबरें देते देते पत्रकार और टीवी एंकर भी टारगेट बनते जा रहे हैं। इसकी बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट सामने आई जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। एक टीवी चैनल में प्रोग्राम लाइव चल रहा था कि अचानक उस पर धावा बोल दिया जाता है। हथियारबंद लोग स्टूडियो में घुस जाते हैं और फिर एंकर पर बंदूक तान देते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। खून खराबे की पूरी तैयारी है, एक भी स्टाफ को नहीं छोड़ा जाएगा, ये बार बार बताया जा रहा है। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। हमलावरों के पास पिस्तौल भी है, हमलावरों के पास शॉटगन भी है, हमलावरों के पास असॉल्ट राइफल भी है। हमलावर अपने साथ ग्रेनेड भी लाए हैं। एक ने तो चैनल के स्टाफ को बम दिखाकर भी डरा दिया। चारों तरफ आतंक मच गया, टीवी स्टूडियो में कोहराम मच गया। आखिर हुआ क्या, हमला किसने किया, क्यों किया और आगे क्या हुआ? तो जवाब ये है, ये शख्स है ड्रग माफिया एडाल्फो मासियास, जिसे दुनिया फीटो के नाम से जानती है। फीटो इक्वाडोर में ड्रग कार्टेल चलाने वाले बहुत बड़े गैंग लॉस कॉनरॉस का सरगना है। हत्या और हिंसा फैलाने के दर्जनों केस हैं उस पर। फीटो को 2011 में 34 साल कैद की सजा मिली थी, लेकिन 2024 के शुरू होते ही वो 8 जनवरी को जेल से फरार हो गया। इसके बाद पूरे इक्वाडोर में दहशत फैल गई। हालात ऐसे बने कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने 60 दिन की इमरजेंसी लगा दी। अब सोचिए, एक ड्रग माफिया की दहशत, पूरे देश में आतंक फैल गया, सड़कों पर जैसे सेना उतार दी गई। लेकिन बड़ा हमला जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि इक्वाडोर में बवंडर मच गया है, कि वो वहां के टीवी स्टेशन की तस्वीरें देखने के बाद समझ में आया। इक्वाडोर के टीवी स्टेशन टीसी में लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था कि अचानक वहां लाइव टीवी शो में हथियारबंद नकाबपोश घुस आए। वहां मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया, कैमरा ऑन था। लाइव शो में लोगों के चिल्लाने और गोलियों के चलने की आवाजें भी सुनाई दी। हमलावरों ने काले रंग के कपड़े पहने थे, चेहरे मास्क से ढके हुए थे। ये आतंकवाद का सीधा प्रसारण था। इसके बाद गैंग के लोगों ने 3 बंधकों के जरिए राष्ट्रपति के नाम अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जंग चाहती है तो उसे जंग मिलेगी। सरकार ने इमरजेंसी लगाई है और अब इस युद्ध का खामियाजा इक्वाडोर की पुलिस, वहां के नागरिकों और सैनिकों को भुगतना होगा। दरअसल कोकीन के कारोबार में कोलंबिया और पेरू के बीच में मौजूद इक्वाडोर में ड्रग कार्टल्स में घमासान मचा हुआ है। अब यहां मैक्सिकन और कोलंबियाई कनेक्शन वाले गैंग आपस में लड़ रहे हैं और इस हिंसा ने अब इक्वाडोर में तबाही मचानी शुरू कर दी है। Por supuesto, se ve desde los trabajos, nos dan las informaciones de que salgamos pronto, que nos vayamos, los recorridos no han llegado, todo con el miedo, que nos alejemos de los objetos. Pues sí, se siente un claro nerviosismo en el ambiente y la gente mismo se aleja. Entonces, sí, veo bastante nerviosismo. La ciudad, al menos este sector de las Naciones Unidas, está muy, muy caótico.
Yo estaba haciendo un trámite en la plataforma gubernamental y prácticamente la gente muy nerviosa llegó a decir de que estaban saqueando y que teníamos que desalojar. Entonces nos retiramos de la plataforma y bueno, aquí. यही जंग अब इक्वाडोर की सड़कों और मोहल्लों से निकलकर अब वहां के टीवी स्टूडियो में पहुंच गई है। जब यहां हमला हुआ तो ड्रग माफिया की इस फौज ने लोगों के हाथ बांध दिए और उन्हें जमीन पर लिटा दिया। वो कैमरे की तरफ देखते हुए पुलिस को ना बुलाने की धमकी देते रहे, लेकिन इसके बाद टीवी स्टूडियो में हुआ कमांडो ऑपरेशन। पुलिस की टीम ने स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया। कमांडो अंदर घुसे और सभी को आजाद कराने के साथ साथ 13 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। अब इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नाउबा ने अपराध जगत के 22 गिरोहों को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। जब से इक्वाडोर की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई है, वहां के कई ड्रग माफिया और उसके गैंग एक्टिव हो गए हैं। कई जगह एनकाउंटर हुए। कुछ गैंग के लोगों ने 7 पुलिस अधिकारियों को भी अगवा कर लिया। तब पता चला आफत कितनी बड़ी है। इक्वाडोर में कई जगह धमाके हुए और फिर राष्ट्रपति ने पीटो के गैंग लास कॉनेरोस को भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। Pienso que si es que hay movilización también policial y de las fuerzas armadas, yo creo que sí podría ayudar. Creo que sí podría ayudar. Y además también tenemos que los ciudadanos hacer conciencia y tratar de cuidarnos un poco más. एक ड्रग माफिया ने पूरे देश में तूफान मचा दिया है। वो सरकार को चुनौती दे रहा है। पीटो को ढूंढने के लिए हजारों सैनिक और पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इक्वाडोर में इमरजेंसी के तहत बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई हैं। रात में कर्फ्यू लगाया गया है। अगर कोई रात 11 बजे के बाद सड़कों पर घूमते हुए मिला तो उसे गोली मारने का ऑर्डर भी जारी हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह पीटो ही है। ड्रग माफिया एडाल्फो मासियास और पीटो को अगस्त 2023 में इक्वाडोर की सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जेल में शिफ्ट किया गया था। सिर्फ उस पर नजर रखने, वो जेल न तोड़ पाए, इसके लिए 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। पीटो इतना खतरनाक है कि उस पर इक्वाडोर में चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे फर्नांडो विलावी सेंशियो की हत्या का भी आरोप है, क्योंकि वो ड्रग्स के कारोबार पर लगाम लगाने की बात करते थे। हत्या से पहले पीटो ने फर्नांडो को कई बार धमकियां भी दी थी। पीटो इससे पहले 2013 में भी जेल से फरार हुआ था, लेकिन तब 3 महीने बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब उसके गिरोह से जुड़े लोगों ने सरकार के खिलाफ युद्ध की चेतावनी दी है। इक्वाडोर में जो हालात हैं, उन्हें लेकर दुनिया भर से रिएक्शन आ रहे हैं। चीन तक कह रहा है कि उसने इक्वाडोर पर करीब से नजर बनाई हुई है। 支持厄瓜多尔政府为维护社会稳定所做的努力，期待厄瓜多尔早日恢复正常秩序，也希望俄方切实保护好中方在厄瓜多尔的人员和机构安全。Ecuador एक दक्षिणी अमेरिकी देश है और यहां फरार हुए ड्रग माफिया पीटो पर चीन की भी नजर है, उस पर अमेरिका की भी नजर है। दक्षिण अमेरिका के कई देश उसके फरार होने से दहशत में है। पीटो जब फरार हुआ तो उसके साथ 39 कैदी और जेल तोड़कर भागे हैं। इक्वाडोर की सरकार ने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर इनको जल्द से जल्द या तो पकड़ा जाएगा या तो मार दिया जाएगा। इक्वाडोर की जेलों में हुए कई घातक दंगों के पीछे पीटो के गैंग का ही हाथ रहा है। इक्वाडोर की पुलिस का दावा है कि फरार हुए कई कैदी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन पीटो अब भी फरार है। इक्वाडोर की जेलें ड्रग तस्करों से भरी हुई हैं। ये उन गैंग से जुड़े हुए बदमाश हैं जिन्होंने न सिर्फ इक्वाडोर बल्कि पूरे दक्षिण अमेरिका में नशे का साम्राज्य खड़ा किया है। इनके लिए कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ 2021 में यहाँ की जेलों में 460 कैदियों की हत्या कर दी गई। ये इंसान की जान ऐसे लेते हैं जैसे सिगरेट पीने के बाद कोई उसे पैर के नीचे रख कर कुचल देता है। इंसान की जान की बस यही कीमत है इन लोगों के लिए। ये बहुत ही खतरनाक कैदी माने जाते हैं।
हमास और इजरायली सेना के बीच महाजंग और भी ज्यादा तेज हो गई। खबर के मुताबिक इजरायली सेना ने कुछ देर पहले ही मध्य गाजा में बहुत बड़ा ये हमला हुआ है। मध्य गाजा में अलक्सा अस्पताल के पास इजरायली सेना की भीषण बमबारी हुई, जिसमें 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी या तो मारे गए या फिर जख्मी हुए हैं। देखिए, आपको जानकारी दे दें कि इजरायली सेना ने मध्य और दक्षिणी गाजा में बमबारी और जमीनी घुसपैठ और भी ज्यादा तेज कर दी। पिछले कुछ दिनों का जिक्र करें तो 147 लोगों की जान गई है पिछले कुछ दिनों में। खबरों के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ साफ कह दिया कि जब तक गाजा से हमास का सफाया नहीं हो जाएगा, तब तक इजरायल यूं ही हमले करता रहेगा। हमास को मरना पड़ेगा, इसराइल को जीतना होगा। गाजा युद्ध को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 23,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इसराइल हमास के युद्ध में मारे जा चुके हैं। उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, मध्य गाजा और गाजा शहर में हमास के लड़ाके पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से इजरायली सेना को जमीनी युद्ध में हरा दें, लेकिन हाईटेक और घातक हथियारों से लैस इजरायली सेना बेरहम हमले कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि हमास के टॉप कमांडर से लेकर आईडीएफ से मोर्चा लेने वाले हमास लड़ाके बहुत बड़ी तादाद में मारे गए हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे अमेरिका भी अब गाजा में मारे जा रहे फिलिस्तीनियों की मौत पर आंखें मूंद रहा है और क्यों और कैसे हमास के टॉप कमांडर अचानक बड़ी संख्या में मारे जाने लगे हैं। 8,000 मार डाले, 37,000 मारेंगे। मिडिल ईस्ट मीडिया में इस वक्त गाजा युद्ध पर दो तरह के दावे चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट मीडिया में यह खबर तेजी से उड़ रही है कि मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में मौजूद कई मुस्लिम मुल्कों ने अंदर ही अंदर हमास को घातक धोखा दिया है, जिसकी वजह से हमास अब गाजा में बुरी तरह से हारने लगा है। हमास चीफ इस्माइल हानिया और टॉप कमांडर याहिया सिनवार को भी अंदाजा नहीं था कि तुर्की जैसे मुस्लिम मुल्क हमास से गद्दारी करेगा। हमास को यह भी अंदाजा नहीं था कि मुस्लिम मुल्क कतर इसराइल के इशारे पर हमास को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने लगेगा। हमास को मुस्लिम मुल्कों ने दिया धोखा। हमास के कमांडर अबू उबैदा का दावा है कि कतर ने एक समझौता हमास के सामने रखा था, जिसमें कतर कह रहा था कि अगर हमास हथियार डाल दे और इजरायली सेना के सामने सरेंडर कर दे तो इजरायली सेना हमास के लड़ाकों और कमांडरों की जान बख्श देगा। हमास के सामने कतर ने यह भी शर्त रखी थी कि हमास को गाजा छोड़ना पड़ेगा और पूरे गाजा में एक गैर हमास दलों की सरकार बनेगी। लेकिन हमास ने कतर, अमेरिका और इसराइल के सरेंडर समझौते को न सिर्फ ठुकरा दिया, बल्कि दिसंबर 2023 से 9 जनवरी 2024 के बीच कम से कम 10 बड़े हमले इजरायली सेना पर किए हैं। जरा देखिए हमास की मिलिट्री विंग की ये वीडियो, जिसमें हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर रॉकेट से सीधा हमला कर रहे हैं। हमास मिलिट्री विंग के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इजरायली लड़ाके गाजा सिटी में ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक तबाह इमारत की बालकनी से रॉकेट से हमला किया जाता है, जो सीधे इजरायली सेना के पास आकर गिरता है। इसके अलावा हमास लड़ाकों को घातक हथियारों के साथ मलबे और तबाह वाहनों के पीछे से भी हमला करते हुए देखा जा सकता है।
हमास इस वीडियो से ये साबित करने पर तुला है कि हमास अभी पूरी तरह से जिंदा है और इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। אתמול חשפנו באל בורג' את מפעל הייצור הרקטות ואמצעי הלחימה הגדול ביותר של החמאס. במהלך הפעילות המבצעית להשמדת התשתית התת-קרקעית של המפעל, נגרם פיצוץ כתוצאה מירי טנק שזיהה מטרת אויב בשטח. ככל הנראה, פגז של הטנק פגע בעמוד חשמל סמוך שגרם להפעלת המטען. इजराइल ने भी पिछले 24 घंटे में हमास के अड्डों पर भयानक हमले किए हैं। इधर इजराइल ने मध्य और दक्षिणी गाजा में बमबारी और जमीनी घुसपैठ तेज कर दी है। रात भर हुए हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं, जिनमें राफा शहर में एक ही परिवार के 15 लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी प्रशासन के मुताबिक 23,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी 3 महीने से ज्यादा की जंग में मारे जा चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अब अमेरिका भी कहने लगा है कि जब तक हमास सरेंडर नहीं कर देता या फिर हमास का सफाया नहीं हो जाता है, तब तक इजराइल युद्ध नहीं रोकेगा। यानी अमेरिका कहना चाहता है कि चाहे भले ही इजरायली हमले में और ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जाएं, लेकिन अब इजराइल पर युद्ध रोकने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। इसराइल की राजधानी तेल अवीव से 9 जनवरी 2024 को आई इन तस्वीरों को देखी, जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग कर रहे हैं। नेतन्याहू के चेहरे को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें गाजा में हमले और तेज करने की हरी झंडी अमेरिका की तरफ से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दे रहे हैं। अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की ये तस्वीर भी देखी, जिसमें दोनों न सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं बल्कि दोनों देशों के रक्षा और खुफिया विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ गाजा युद्ध के हर पहलू की जानकारी एक दूसरे को दे रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन के साथ चलते इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के हाव भाव को देखिए, जिससे साफ पता चलता है कि इजरायल आने वाले 2 से 3 हफ्तों में हमास पर भयानक हमले और करने जा रहा है। एंटनी ब्लिंकन के तेवर और इरादे हमास और फिलिस्तीनियों को लेकर बदलने लगे हैं। We believe the submission against Israel to the International Court of Justice distracts the world from all of these important efforts. And moreover, the charge of genocide is meritless. It's particularly galling given that those who are attacking Israel, Hamas, Hezbollah, the Houthis, as well as their supporter Iran, continue to openly call for the annihilation of Israel and the mass murder of Jews. 9 जनवरी को इजरायली पीएम और रक्षा मंत्री से मिलने के बाद 10 जनवरी 2024 को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मिले। ब्लिंकन ने हमास लड़ाकों को लेकर राष्ट्रपति महमूद अब्बास को क्या समझाया, इसकी खबर अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन रामल्ला शहर में राष्ट्रपति महमूद अब्बास और ब्लिंकन की मुलाकात होते ही जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। हारते हमास और मरते फिलिस्तीनियों के बीच फूटा गुस्सा साबित कर रहा है कि इसराइल के बाद अब फिलिस्तीनी अमेरिका को भी अपना कट्टर दुश्मन मानने लगे हैं। نحن نطالب بالسلطة الفلسطينية بقطع العلاقات كلها مع الأمريكان ومع كل من يدعم هذا الاحتلال في حربه ضد الشعب الفلسطيني. इजराइल और हमास के बीच खूनी झड़प तेज होती जा रही है। इस बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को लेकर बड़ा दावा किया है। हगारी के मुताबिक इजरायली सुरक्षा बलों ने उत्तरी गाजा से हमास के आतंकियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया है। इजरायली सेना प्रवक्ता के मुताबिक अब तक 8,000 से ज्यादा हमास के आतंकी मारे जा चुके हैं।
ब्रिटेन ने हूथी विद्रोहियों के ड्रोन मार गिराए हैं और हूथी गुट का बयान सामने आया। उसने कहा कि इसराइल के जहाजों को वो लाल सागर में रोकते रहेंगे, लेकिन बाकी देशों के जहाज लाल सागर से आ जा सकते हैं, सिर्फ इसराइल के जहाज उसके टारगेट पर हैं। तो हूथी से पहले तो हमास की हालत और भी ज्यादा खराब है। हिजबुल्ला भी तबाही का डर यहाँ पर उसे सता रहा है और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक देश ने ही अब हमास के सबसे कट्टर दुश्मन से हाथ मिला लिया है। अब पूरी दुनिया पूछ रही है क्या हमदर्दी दिखावा कर ये दिखाकर हमास के ही करीबी ने उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया। इसराइल ने कह दिया है कि हमास का खात्मा तय है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि हिजबुल्ला की तबाही तय है। अमेरिका और इसराइल दोनों कह रहे हैं कि हूथी भी मारा जाएगा। ये धमकी गोली से दी जा रही है, बमबारी से दी जा रही है। मिसाइल के हमलों से दी जा रही है, लेकिन हमास को खत्म करने की सबसे बड़ी सुपारी तो उसके सबसे बड़े हिमायती ने ही दी है। गाजा की तबाही की स्क्रिप्ट अब मेड इन तुर्की हो चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमास से सबसे बड़ी गद्दारी तुर्की ने की है। कल तक हमास का फैन नंबर वन, उसकी हिमायत करने वाला, उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले अर्दोगान ने हमास की पीठ में जैसे छुरा फूंक दिया है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकेंड, हर मुश्किल घड़ी में फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने का वादा करने वाले अर्दोगान ने इसराइल से दोस्ती का हाथ मिला लिया है। इस दोस्ती का मतलब है हमास की मौत, और इसमें अर्दोगान की मंजूरी शामिल है। अब तुर्की को इसी नजरों से देखा जा रहा है, जिसमें धोखा है, जिसमें गद्दारी है, जिसमें हानिया की मौत भी छिपी हुई है। गाजा में बमबारी शुरू होने के बाद से तुर्की और इसराइल के बीच व्यापार 34.8% तक बढ़ गया है। इसराइल को तुर्की का निर्यात नवंबर में 319.5 मिलियन डॉलर से बढ़कर दिसंबर में 430.6 मिलियन डॉलर हो गया। यानी एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ तुर्की कारोबार कर रहा है। मतलब ये कि युद्ध होने के बाद से तुर्की और इसराइल के बीच व्यापार बढ़ गया है। जब गाजा में खून खराबा जारी है, तब तुर्की ने इसराइल को एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बना लिया। तुर्की ने फिलिस्तीनियों की जान की कीमत अपनी एक्सपोर्ट वाली डील से मिटा दी है। यही वजह है कि तुर्की और आसपास के पूरे पश्चिम एशिया के लोग अर्दोगान से सवाल कर रहे हैं। इस वक्त इसराइल की सेना की वर्दी भी तुर्की में बन रही है। इस वक्त इसराइल जिन जूतों से गाजा को रौंद रहा है, वो भी तुर्की में बन रहे हैं। इस वक्त ठंड से बचने के लिए इसराइल के सैनिक जिन गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तुर्की में तैयार हो रहे हैं। ये दुनिया जानती है कि गाजा में अटैक के बाद सबसे पहले अर्दोगान ने इसराइल की निंदा की थी। अर्दोगान ने तो नेतन्याहू की तुलना हिटलर तक से कर डाली थी। अर्दोगान ने हर समय फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े होने का वादा किया था, लेकिन अब इस सच्चाई से पर्दा उठ चुका है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भले ही तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन असल में तो वो नेतन्याहू के साथ मिलकर बहुत खामोशी से अपना कारोबार चमका रहे हैं।
गाजा हर दिन मर रहा है, वहाँ के लोगों को युद्ध की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हर बढ़ते दिन के साथ गाजा में इजराइल की फोर्स का ऑपरेशन तेज होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमास के हिमायतियों की भी खैर नहीं है। लाल सागर में कोहराम मचाने वाले हुथी विद्रोही अब अमेरिका और ब्रिटेन के टारगेट पर आ चुके हैं। ब्रिटेन की नौसेना के डिस्ट्रॉयर डायमंड ने हुथी के 21 ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। डायमंड के हमले से हुथी विद्रोहियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस हमले में 18 ड्रोन, 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और 1 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च होने के बाद ही गिरा दिया गया। गाजा में चल रही बमबारी के बाद हुथी प्रोएक्टिव है, उनको ईरान का समर्थन भी हासिल है। वो लाल सागर में इसराइल के जहाज को निशाना बना रहे हैं। 19 नवंबर के बाद से लाल सागर में कार्गो शिप पर ये हुथी का 26वां हमला था। हुथी विद्रोही लगातार इसराइल पर हमला कर रहे हैं, क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इसराइल के दक्षिणी इलाके पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हुथी विद्रोहियों के टारगेट 2 हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हुथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर 2 मानता है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। इसराइल ने दुनिया के प्रेशर के सामने झुकने से मना कर दिया है, लिहाजा अब हुथी विद्रोही जिनकी ईरान से बेहद करीबी है, उन्होंने इसराइल के शिप को टारगेट करने का फैसला किया है। वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग लेन दुनिया की लाइफलाइन है और यहाँ पर हमला करने का मतलब इजराइल के गले पर हमला करने जैसा है। من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا الصامدين في قطاع غزة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة. आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हुथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं, यानी अदन की खाड़ी में और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हुथी विद्रोही जो गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं, ये दोनों अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। यहीं से एशिया की तरफ से यूरोप को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती है। अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जा रहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ये रास्ता 6000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचना होगा। अगर इसराइल जाना है तो रास्ता 10000 किलोमीटर तक ज्यादा हो जाएगा, 3 से 5 दिन का सफर और लंबा हो जाएगा। ज्यादा फासला यानी ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरह चौपट, यही है यमन के हुथी विद्रोहियों का टारगेट, क्योंकि वो गाजा में बमबारी का बदला इसराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना भी शुरू कर दिया है। यमन के हुथी विद्रोहियों ने 15 देशों को ललकारा है, यानी हुथी विद्रोहियों ने 15 देशों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है।